गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में SRF की पोस्ट के बारे में। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट हैं SRF की। पहली पोस्ट जिस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट का टाइटल है रिस्क असेसमेंट ऑफ मेटल्स एंड मेटालॉइड्स इन वाटर सॉइल प्लांट कंटिनम अंडर बासमती ग्रोइंग एरियाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये प्रोजेक्ट ICAR फंडेड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के PI हैं डॉक्टर SP दत्ता। SRF की पोस्ट के लिए जो सैलरी रहेगी वो सैलरी रहेगी 31,000 प्लस HRA पर मंथ। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस, बेसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस स्पेशल रजिस्टर एंड वेक्टर डाटाबेस हैंडलिंग मैनेजमेंट एंड एनालिसिस इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज इन स्पेशल इंट्रोपोलेशन टेक्निक्स एंड मैपिंग इन GIS सॉफ्टवेयर। इन क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस SRF की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे वो डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री IRI में इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और इंटरव्यू की डेट है 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को 10:30 बजे के बाद में इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। SRF की जो दूसरी पोस्ट है वो पोस्ट जिस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट का टाइटल है केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, ये SERB फंडेड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के जो PI हैं वो हैं डॉक्टर मंदिरा बर्मन इस प्रोजेक्ट के PI हैं। और SRF की पोस्ट के लिए जो सैलरी रहेगी इसमें वो 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें SRF की वैकेंसी के लिए तो मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस केमिस्ट्री विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। कैंडिडेट के पास में यदि बेसिक साइंस में यानी 3 साल की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उस कैंडिडेट के लिए नेट कंपल्सरी या गेट कंपलसरी होगा, नेट या गेट होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ सॉइल वाटर एंड प्लांट एनालिसिस फॉर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड कंप्यूटर हैंडलिंग, इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। SRF की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होंगे वो डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री IRI में होंगे और जो इंटरव्यू की डेट है वो 25 जुलाई 2022 को इंटरव्यूज 10:30 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे रहेगा और 10:30 बजे के बाद में इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। ये इन दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन परफॉर्मा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करके ही भर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हार्ड कॉपी निकलवा कर भी इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद में आप जो भी डेट दी हुई है और उन डेट को जाकर के आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ये इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस दे रखे हैं, यहाँ से आप इन टर्म और कंडीशंस को रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद में आप जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर देंगे और इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप 20 तारीख से पहले आप जो भी ये दो profess2017@gmail.com या बर्मन ये जो ईमेल आईडी है इन ईमेल आईडी पर आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करके आप इनको सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए IRI में इंटरव्यूज जो भी डेट दे रखी है यानी 27 जुलाई इंटरव्यू की डेट है और इंटरव्यू IRI के डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कंडक्ट होंगे, तो इस प्रकार से आप SRF की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू IRI में
दे सकते हैं।